पाठ 15 दादा की सीख प्रस्तावना। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई के विषय में ही सोचते हैं। लोग चाहे उन्हें कुछ भी कहें, वे नेकी की राह पर ही चलते हैं। कुछ ऐसा ही हमें इस पाठ को पढ़कर पता चलेगा। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी रहता था। सारी जिंदगी उसने खरी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके चार बेटे थे, घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे थी, परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने पिता से कह दिया था कि अब आप आराम से घर में बैठें और ईश्वर का नाम लें। बूढ़े पिता के दिल में अब कोई लालसा ना थी, उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और उनको पूरी तरह से कामकाज सौंपकर निश्चिंत हो गए। सारे गांव में उनका आदर मान था, सब लोग उन्हें दादा दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफी दिन निकल गए, आम का मौसम आया, पर ये क्या, दादा को देखो तो कभी यहाँ कभी वहाँ, सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं आम की गुठलियाँ पड़ी देखते वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ आते। उनके बेटों ने यह सब देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को, लोग आम खाकर गुठलियों को फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं, शायद उनमें समझ आ जाए। ये सोचकर वे चुप रहे जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार वह ओछा काम करते जा रहे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गांव वाले दादा को देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अगले सठिया गई है, भला ये भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो। कुछ लोग कहते, देह में दम है तो दादा अपने बेटों की मदद क्यों नहीं करते, खेत में जुताई कराएं, घर की गाय है उनकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। लोग उनसे कह भी देते, दादा ये आप क्या करते हैं, पर दादा कभी कोई जवाब ना देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। आम का मौसम बीत गया, बेटों ने चैन की सांस ली, गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ दबाई थी वहाँ वहाँ चक्कर लगाते, कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले जाते। लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया, दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटों का पारा चढ़ गया, गांव वालों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, पर दादा के कान पर जूं तक न रेंगी। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियां बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और दो चार दिन की बीमारी में चल बसे। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था वह वास्तव में उनकी दूर की सोच थी। आज आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं तब गांव वालों को अपने दादा की बहुत याद आती है और उनके प्रति अपनी सोच पर वे शर्मिंदा होते हैं। हमने क्या सीखा? कार्य की लगन, बातों की परवाह ना करना, आगे की सोचना। शब्दार्थ, लालसा इच्छा डिजायर, निश्चिंत बिना चिंता के विदाउट वरी, आदर मान इज्जत रिस्पेक्ट, ओछा छोटा तुच्छ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट, दम ताकत सांस स्ट्रेंथ ब्रीद, बटोरना इकट्ठा करना गैदर।